तो हम लोगों ने अभी तक जितना भी पी ब्लॉक पढ़ा है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आइडिया रहे कि अगर पी ब्लॉक या उसके जैसे किसी दूसरे चैप्टर से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उनके आने का फॉर्मेट क्या होता है ना, सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ओजोन मॉलिक्यूल इज़ डैश, उसकी शेप के बारे में पूछ रहा है कि वो लीनियर होगा, ट्राइंगुलर होगा, टेट्राहेड्रल होगा कि नन ऑफ दिस, राइट? तो देखो, ओजोन के बारे में अब किसी को लग सकता है कि अरे यार ये तो हमें अभी पढ़ा ही नहीं है, तो खैर मैं बता दूं, अभी मैंने वही टॉपिक्स पढ़ाए थे जो स्ट्रिक्टली डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर तुम थोड़ा सा देखोगे तो ओजोन डिलीटेड सिलेबस में आता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये क्वेश्चन बन नहीं सकता, है ना? क्योंकि आप सभी ने 11th स्टैंडर्ड में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ऑल एंड ऑल, तो आना तो भाई चाहिए, ठीक है? तो ऐसे केस में ये अगर चीज़ें नहीं बनी तो ये दिक्कत की बात है। खैर चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ओजोन का आपको पहले तो क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो ऑब्वियस है कि ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। अगर ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है और अगर इसका स्ट्रक्चर हमको लेट से अगर ड्रॉ करना है तो किस तरीके का हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर? सेंट्रल एटम भी रहेगा O, आजू बाजू के बॉन्डेड एटम्स भी क्या रहेंगे O, ठीक है? इतनी कहानी रहेगी ओजोन के बारे में। इधर एक तरह से बेसिकली डबल बॉन्ड बनाता है और कुछ इस तरीके से इसमें लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है? ये जो बीच वाला होता है, अब क्योंकि बीच वाले ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए हैं तो ऊपर से अपने एक लोन पेयर को यूज़ करके, तो इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और इस वाले के ऊपर आता है एक एक्स्ट्रा लोन पेयर, इसीलिए इसके ऊपर आ जाता है कौन सा चार्ज, एक निगेटिव चार्ज, ठीक है? तो इस तरीके का कुछ ओजोन का स्ट्रक्चर दिखता है। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करूं, ठीक है, तो एक नज़र से देखने पे हाइब्रिडाइजेशन लगती है sp2, और जहाँ हमें ऐसा लगता है कि अच्छा ये एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ओ तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब, हम में से मैक्सिमम लोगों की सोच ऐसी जाती है कि ट्राइंगुलर शेप होगी, ठीक है? तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन दिया है बी, बराबर? जिन लोगों को ऐसा लगता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स ट्राइंगुलर शेप, उन लोगों के लिए ये पर्टिकुलर ऑप्शन है। बट जिन्होंने थोड़ी सी भी केमिकल बॉन्डिंग डिटेल में पढ़ी है उन लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम पर क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड नहीं बने, ठीक है? अगर 3 सिग्मा बॉन्ड नहीं बन रहे हैं तो ऐसे में आपका वही शेप क्या हो जाता है, लीनियर हो जाता है ना? वही पर्टिकुलर शेप क्या हो जाता है, लीनियर हो जाता है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी सी भी ज़्यादा की जानकारी है, उन्हें ऐसा लगता है कि इसका शेप लीनियर हो जाना चाहिए, है ना? उनको ऐसा लगता है, बट इसका करेक्ट आंसर लीनियर भी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर्स होते हैं, राइट, जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, उन लोन पेयर्स की वजह से इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, बेंट शेप होता है, और बेंट शेप वाला यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है। सर करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ दिस। आई डोंट नो वो कौन से प्राणी हैं जिनके लिए टेट्राहाइड्रल वाला ऑप्शन रखा गया है, बट द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, ठीक है? खैर आगे एक और क्वेश्चन है ओजोन की फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर कि ओजोन रेडिली डिजॉल्व्स इन डैश, ठीक है, किस में ओजोन आसानी से डिजॉल्व हो जाती है? तो देखो ये थोड़ा सा एक GK फैक्ट है, मतलब जो आपको ओजोन के बारे में पता होना चाहिए। जब भी हमें कभी भी ओजोन गैस को एब्जॉर्ब करना होता है तो ध्यान रखना हम लोग अमोनिया को यूज़ करते, तो ये GK फैक्ट वाला क्वेश्चन है, याद है तो मार्क्स, याद नहीं है तो गए, राइट? तो ये GK फैक्ट वाला क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं। अब आगे नेक्स्ट में आते हैं, बोला जा रहा है इनर्ट गैस सच एज हीलियम, जो कि एक आइडियल गैस के जैसे बिहेव करती है, खैर गैसियस स्टेट वाले चैप्टर में हमने इसमें पढ़ा है, ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है,
लेकिन अगर आप उन्हें बहुत लो टेम्परेचर पे ले जाकर अगर आप कंडेंस करके उसको सॉलिड फॉर्म में ले आते हो तो उस दौरान क्या सिचुएशन होती है, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो अगर आप उसको कंडेंस करके सॉलिड फॉर्म में लेकर आ गए हो तो इसका मतलब जो आप लोगों के पास एटम्स हैं उन एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि तभी तो, क्योंकि सॉलिड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये जो ए ऑप्शन है कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तो एक बकवास ऑप्शन है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी ना, तभी तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, राइट। सिमिलरली जो डी ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, भाई स्ट्रॉन्ग रिपल्शन अगर होगा तो पार्टिकल्स तो एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, सॉलिड फॉर्म में क्यों रहेंगे फिर वो, तो यानी कि डी ऑप्शन में नहीं हो सकता। अब अगर कुछ भी होगा तो या तो ऑप्शन नंबर बी में होगा या तो ऑप्शन नंबर सी में होगा, है ना। तो क्यों वो उस पर्टिकुलर स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एग्जिस्ट कर पा रहा है, रीज़न एक ही कि उसके बीच में क्या है, पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं और वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं उनकी वजह से वो पर्टिकुलर चीज़ कंडेंस हो जाती है। तो एक्चुअली इस तरीके से आपको ऑप्शंस को रूल आउट करते आना चाहिए, ठीक है, कि ये फलाना ऑप्शन काट दो, ये वाला ऑप्शन काट दो, ये वाला ऑप्शन काट दो, ठीक है। खैर नेक्स्ट आपको एक टॉपिक बोला है, आपको नोबल गैसेस की सॉल्युबिलिटी वाटर में, ठीक है, उनके ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। एक बार हम हमारी टेक्स्ट बुक के पास चलते हैं जहाँ पे हमने ये अलग अलग चार्ट्स पढ़े थे, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के चार्ट्स पढ़े थे, ग्रुप नंबर 15 के, ग्रुप नंबर 16 के, ग्रुप नंबर 17 के, ग्रुप नंबर 18 के, उन चार्ट्स में हम गए, ठीक है। उन चार्ट्स में हमने बहुत सारी बातचीत पढ़ी थी, देखो सामने ही तुम लोगों के चार्ट, हमने बातचीत की थी मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की, डेंसिटी की, सब की, बट हमारी बातचीत अभी तक एक बार भी सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक पर नहीं हुई थी, है ना, सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक पर नहीं हुई थी। तो उस चार्ट में थोड़ा सा इस चीज़ को मार्क कर लेना कि किस तरीके से बराबर ये कर रहे हैं। तो ध्यान रखना जितना ज़्यादा उनका मोलर मास बढ़ेगा उतनी ज़्यादा वो सॉल्युबल होंगी। तो ध्यान रखेंगे सॉल्युबिलिटी जो रहेगी नोबल गैसेस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी मोलर मास के। तो ऑब्वियस है कि सबसे ज़्यादा मोलर मास कौन शो करता है, ज़ेनॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला। तो सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक पे हमारी बातचीत नहीं हुई थी, तो इस पॉइंट को तुम्हें याद रखना। विच वन इज मोस्ट बेसिक इन कैरेक्टर, मोस्ट बेसिक, देखो अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बेसिक है इसका मतलब वो पर्टिकुलर चीज़ लीस्ट एसिडिक है, ये तो मानते हो कि वो पर्टिकुलर चीज़ लीस्ट एसिडिक होगी। अब तुम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आप उसे अरेंज करो, है ना, या आप वो वाला लॉजिक यहाँ अप्लाई करो जो भी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, या फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है। आप एफ निगेटिव जो है, ठीक है, ये क्या है, एफ निगेटिव कॉन्जुगेट बेस है, अगर आप एच पॉजिटिव निकाल देते हो तो जो स्पीशीज बचती है वो कॉन्जुगेट बेस होती है, तो इसका एसिडिक पार्ट क्या रहा होगा, एच एफ, इसका एसिडिक पार्ट क्या रहा होगा, एच सी एल, इसका एसिडिक पार्ट एच बी आर, इसका एसिडिक पार्ट एच आई, है ना, ये इसके एसिडिक पार्ट रहे होंगे। अब अगर तुम्हें थोड़ा सा भी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में होशो हवास है, पी ब्लॉक के बारे में अगर थोड़ा सा भी ध्यान है तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि इन सब में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, एच आई जो होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, और सबसे लीस्ट एसिडिक कौन होता है बताओ, सबसे लीस्ट एसिडिक होता है एच एफ, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है एच और एफ की बॉन्डिंग कि इजीली इन दोनों के बीच के बॉन्ड नहीं टूट पाते, जिसकी वजह से एच जल्दी नहीं निकल पाता, और क्योंकि एच जल्दी नहीं निकल पाता इसीलिए ये एक अच्छा एसिड नहीं है। और ऑब्वियस है कि जो एक अच्छा एसिड नहीं है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा एफ निगेटिव। सोचो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड्स में तक पूछा जा सकता है कि आपके पास चार एसिड्स हैं, एच सी एल, एच बी आर, एच एफ, आप उनको उनके एसिडिक फ्रेंड के अकॉर्डिंग अरेंज करिए, बट एम सी क्यू में, क्वेश्चन पेपर में एम सी क्यू फ्रेम करने वाला इंसान आपको सोचो एच हटा कर उनके कॉन्जुगेट बेस के टर्म्स में ये क्वेश्चन पूछ रहा है,
ठीक है। खैर अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में भी आपको कुछ एसिड्स दिए हैं, आपको उनको उनकी डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है बेसिकली जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा उससे आपको लीस्ट एसिडिक की तरफ जाना है। तो देखो यूजुअली कैसा होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, ऑक्सीडेशन स्टेट के, है ना। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पीरियोडिसिटी में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। तो अगर तुम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालने जाओ तो देखो Cl की, Br की और I की तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही आएगी। सो देयरफॉर यू कैनॉट जज इट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। फिर आप क्या करें, अब आप यहाँ पे इसको जज करिए किसके बेसिस पर, उनकी बॉन्डिंग के बेसिस पर। एक ही लॉजिक लगाइए कि कौन सा बॉन्ड सबसे कमज़ोर होगा जो सबसे आसानी से टूट जाएगा, और जो बॉन्ड सबसे आसानी से टूटेगा उसकी एच जल्दी रिलीज होगा, और जिसका एच जल्दी रिलीज होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। दैट्स ऑल, ख़त्म हो गई कहानी। ठीक है, यही हम लोगों को करना है। अच्छा चलो ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कशन किया कि आयोडीन का साइज़ इतना बड़ा होता है ना। आयोडीन आई थिंक 5th पीरियड में आता होगा, जहाँ तक तो 5p या 6p ऑर्बिटल उसका इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, और H बेचारा इतने छोटे साइज़ का है 1s ऑर्बिटल उसका। उनके बीच में जो ओवरलैपिंग है वो प्रॉपरली अच्छी नहीं होती, तो जिसकी वजह से H और I के बीच का जो बॉन्ड होता है वो सबसे कमज़ोर होता है, ईजिली ब्रेक होता है, बराबर। अच्छा तो अगर ये ईजिली ब्रेक होगा तो अगेन वही सेम डिस्कशन, ये मोस्ट एसिडिक होगा। इनडायरेक्टली आप जितना बड़ा साइज लेंगे, ठीक है, बॉन्डिंग उतनी कमज़ोर और वो चीज़ उतनी एसिडिक। तो एज वी नो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियस है कि आयोडीन को सबसे एसिडिक होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन को तो काट दो क्योंकि उसमें 1 को सबसे ज़्यादा एसिडिक बोला है। सेकंड बी ऑप्शन को भी आप काट दो क्योंकि उसमें आपके सेकंड को सबसे ज़्यादा एसिडिक बोला गया है। ठीक है, आप वहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है आप इसको भी काट दो क्योंकि उसमें अगेन 1 को सबसे ज़्यादा एसिडिक कहा गया है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि सी ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। तो सी में देखो प्रॉपर तरीके से लिखा भी है, आई है उसके बाद बी आर है और उसके बाद सी एल है ना, ये इस तरीके से। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट अमोनिया, यानी कि ग्रुप नंबर 15 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, एक काम करो पहले करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ लो। जो आपको चारों ऑप्शन में आप जिस स्टेटमेंट के बारे में श्योर है आप उस स्टेटमेंट के बारे में बात कर लीजिए। ठीक है ना, देखो जैसे NH3 गिव्स वाइट फ्यूम्स विद HCl, ये बात तो भाई ट्रू है। अगर अमोनिया की और HCl की रिएक्शन करवाई जाए तो NH4Cl बनता है जो कि वाइट कलर का फ्यूम्स है। और मैंने आई थिंक जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रही थी गैसियस स्टेट, उस वक्त भी मैंने आई थिंक ये पर्टिकुलर चीज़ बताई है कि NH4Cl की वाइट कलर की फ्यूम्स होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग ग्लास रॉड लेते हैं और उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करते हैं, जहाँ से भी आपको ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि अच्छा यहाँ से देख अमोनिया निकलने वाली है, उसके सामने जाके आप अपनी ग्लास रॉड रख देते हो, तो ग्लास रॉड के ऊपर का एसिड और वहाँ से निकलने वाला अमोनिया, उनके बीच में रिएक्शन हुई तो वहाँ पे वाइट फ्यूम्स होगी, जिससे आप कंफर्म कर सकते हो कि हाँ वो जो इनविजिबल गैस निकल रही थी वो कोई और नहीं बल्कि अमोनिया थी। तो इसका मतलब जो मेरे पास डी ऑप्शन है, मेरा डी ऑप्शन तो करेक्ट है। तो डी ऑप्शन तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, जो भी होगा वो ए बी और सी के थ्रू ही मुझे पता लगाना है, राइट। चलो ठीक है, देखते हैं अब उसके बाद क्या लिखा है बाकी के ए बी सी ऑप्शंस, उनमें आ जाओ। जैसे अभी हम लोगों की ऊपर बातचीत हुई थी कि अगर आपको मान के चलते हैं क्या एब्जॉर्ब करवाना है ओजोन, है ना, अगर आपको ओजोन एब्जॉर्ब करवाना है तो ओजोन को एब्जॉर्ब करवाने के लिए आप अमोनिया गैस यूज़ करते हो। अब यहाँ पे देखो जो सी ऑप्शन है वो सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि अगर आपके पास मान के चलते हैं एक अमोनिया गैस है
और आप उस अमोनिया गैस को, ठीक है, ड्राई करवाना चाहते हो, जैसे अगर मॉइस्ट अमोनिया गैस है, आप चाहते हो कि नहीं नहीं अमोनिया गैस मेरी ड्राई हो जाए, तो वो कह रहा है कि P2O5 का प्रयोग करिए, आप H2SO4 का प्रयोग करिए, आप CaCl2 का प्रयोग करिए, ये सारी जानकारियाँ हैं। ऊपर में वो ये कह रहा है कि अमोनिया की रिएक्शन अगर कैल्योमिल के साथ करवाई जाए तो कैल्योमिल और अमोनिया आपस में रिएक्ट करके एक ब्लैक कलर का PPT फॉर्म करते हैं। एक कहानी वो ये कह रहा है। अब कैल्योमिल क्या होता है? जब आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी तो कैल्योमिल इलेक्ट्रोड वहाँ पर आया होगा आपकी लाइफ में, तो आपको कैल्योमिल के बारे में पता होना चाहिए। खैर, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग इस बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। और ऊपर बोल रहा है कि अगर अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई जाए, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटेलिस्ट वगैरह 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 एट इतना इतना इतना, तो वो वाली चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाएगी। अब तुमको ढूंढना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो बोली जा रही है वो कौन सी है, और बकवास स्टेटमेंट जो बोली जा रही है वो कौन सी है। ये हम लोगों का डाउट है करके, बताओ क्या करें अभी यहाँ पर। ठीक है, देख लेते हैं। तो एक देखो, जैसे आप H2SO4 की बात करते हो, है ना, अगर आप H2SO4 की बात करते हो तो H2SO4 में उसकी प्रिपरेशन के लिए एक मेथड होती है नोन एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। वैसे ही आप जब अमोनिया की प्रिपरेशन करेंगे तो अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए भी एक प्रोसेस होती है, हेबर्स प्रोसेस, राइट। उस हेबर्स प्रोसेस में आपको ये चीज़ पता चलेगी कि हाँ, हम अमोनिया को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 700 केल्विन पर कैटेलाइज कर सकते हैं। हम लोगों को वहाँ प्लैटिनम या फिर आयरन ऑक्साइड जैसे कुछ कैटलिस्ट की क्या होगी, ज़रूरत होगी। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये सही है, तो ए भी नहीं हो सकता। अब बचता है बी ऑप्शन, और अब बचता है आप लोगों का सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखो, अमोनिया को बोल रहा है कि वो P2O5 की मदद से आप उसको ड्राई करवाइए। देखो, किसी भी गैस को किसी भी केमिकल की मदद से ड्राई तब करवाया जाता है जब वो केमिकल और वो पर्टिकुलर गैस आपस में रिएक्ट ना करें। अगर आप अमोनिया की रिएक्शन, मतलब अगर आपने लेट से अमोनिया को H2SO4 के ऊपर से पास करवाया, बाकी ऑप्शन छोड़ दो, तो अमोनिया के ऊपर बीन लोन पेयर्स, तुम जानते हो, एच को एक्सेप्ट कर लेगा और बना लेगा NH4 पॉजिटिव आयन, है ना, और साथ ही साथ में SO4 2 नेगेटिव भी बन जाएगा, यानी कि केमिकली रिएक्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब वो H2SO4 को तो आप यूज़ नहीं कर सकते अमोनिया को एब्जॉर्ब करवाने के लिए, ड्राई करवाने के लिए। सो देयरफॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट इज 7th का सी। ठीक है, क्योंकि अमोनिया क्या करेगी, रिएक्ट कर लेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आते हैं। आपको एक कंपाउंड दिया है POX3 टाइप का, ठीक है, जैसे इस टाइप का नहीं होता, POCl3 टाइप के कंपाउंड्स, ऐसा कुछ आपको दिया है। अब पी एटम कौन से टाइप की बॉन्डिंग शो करता है, वो ये पूछ रहा है ना। पी एटम कौन से टाइप की बॉन्डिंग शो कर रहा है, वो ये पूछ रहा है। खैर, बता लेते हैं। तो देखो, पी मतलब फॉस्फोरस, फॉस्फोरस यानी कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट। थर्ड पीरियड का एलिमेंट मतलब उसके पास पी ऑर्बिटल्स भी होंगे और उसके पास डी ऑर्बिटल भी होंगे, बराबर। अब देखो, जो नाइट्रोजन फैमिली होती है, अगर मैं उसमें स्पेसिफिकली नाइट्रोजन की बात करूं, तो नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकती है, बिकॉज उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। लेकिन जो उसके नीचे में आते हैं अदर्स, लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, वो 5 बॉन्ड तक बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर POCl3 की बात की जा रही है, मतलब ये समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा, 5 बॉन्ड बनाए हैं फॉस्फोरस ने, तो इसका मतलब इसने अपने आप को एक्सपैंड किया है, क्योंकि ग्रुप नंबर 15 की जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की लिमिट कितनी है, 3, तो फॉस्फोरस की भी 3 होनी चाहिए। तो फॉस्फोरस की नो डाउट 3 होती है, बट अगर वो 5 तक जा रहा है, इसका मतलब वो खुद का वैकेंट डी ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है। ये बात तो मानते हो कि खुद का वो क्या यूज़ कर रहा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अच्छा, अब पहले ऑप्शन में क्या बोला है कि फॉस्फोरस कौन सा ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है, पी, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि वहाँ पे पी पाई डी पाई, अच्छा, और बी में क्या कहा जा रहा है, डी पाई डी पाई।
अब हमको चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैडम यहाँ पर आप देखिए ना, यहाँ पे दो दो डी डी भी है और एक पी डी भी है। डी ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है ये तो सही है, मतलब पी अपना डी ऑर्बिटल यूज़ करेगा, ये बात तो सही है। अदर्स के बारे में चेक करो। अच्छा, पी को चेक किसके साथ करवाना है? पी अपनी जो मल्टीपल बॉन्डिंग शो कर रहा है, मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन के साथ, अब तो सब जानते हैं कि ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास बेचारे के पास डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है। तो अगर फॉस्फोरस खुद का डी ऑर्बिटल यूज़ कर भी रहा है, बट बेचारा ऑक्सीजन अपना सिर्फ पी ही यूज़ कर सकता है। तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड बन भी रहा है तो वो कौन सा होगा? पी पाई डी पाई वाला होगा, इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। और बी ऑप्शन इसीलिए गलत है क्योंकि उसमें दोनों को डी बोला गया है और ऑक्सीजन डी नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो पी फोर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये तो मुझे बहुत पसंद है इस टाइप के क्वेश्चन। यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चन आपको केमिकल बॉन्डिंग में जब स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जाते हैं उनसे उठाकर आपको दिए जाते हैं। पी फोर ओ सिक्स हो सकता है, पी फोर आपका कुछ ओ टेन हो सकता है, इस टाइप का बोल रहा है कि बताइए फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड्स हैं पी फोर ओ सिक्स के मॉलिक्यूल में और कितने लोन पेयर्स हैं, आप ये बताइए। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास स्ट्रक्चर का होना अनिवार्य है। तो रफ डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं। चार फॉस्फोरस, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, चारों के पास क्या रखनी है? एक एक ऑक्सीजन तो उनके बीच में रखनी पड़ेगी। एक इधर पे, दो इधर पे, तीन इधर पे, चार। बट मैडम टोटल तो 6 लगानी थी, पांचवी छठवी का लगाएंगे? तो पांचवी और छठवी इस तरीके से क्या करती है, ब्रिजेस मतलब इस तरीके से ऊपर में मौजूद होती है ऐसे। अब मुझे बताओ कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं? तो देखो काउंट करो, ये पहला, ये दूसरा, यानी कि एक साइड में टोटल, एक साइड की अगर मैं बात करूँ तो एक साइड में 2 फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड हैं। ऐसी टोटल 4 साइड्स हैं क्योंकि क्वाड्रिलैटरल बना है, तो 8 फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड्स तो रहे ही होंगे। प्लस बीच में भी है, देखो बीच में भी 1 ये 2 ये 3 और ये 4, मतलब टोटल फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं 12, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन तो ये रहा 12, बी ऑप्शन को आप काट दीजिए क्योंकि उसमें वो 8 कह रहा है। अच्छा, अब आपको लोन पेयर्स काउंट करने हैं कि टोटल लोन पेयर्स वहाँ पे कितने हैं। तो देखिए फॉस्फोरस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फॉस्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 लोन पेयर्स होंगे। टोटल फॉस्फोरस है 4, तो फॉस्फोरस की वजह से 4 लोन पेयर तो कन्फर्म है। टोटल ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 6। एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं तो 6 ऑक्सीजन्स पे कितने होंगे? 12 होंगे। तो टोटल लोन पेयर्स की जो संख्या है वो कितनी हो गई? 12 और 6 16। तो अब देखो करेक्ट ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है? 9th का सी करेक्ट आंसर है, 12.16। कहने को ये पी ब्लॉक की शीट है बट इसमें से बहुत सारा ज्ञान 11th क्लास की जो बेसिक केमिस्ट्री है ना, स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी, वहाँ से आ रहा है ये सब कुछ, ठीक है। अब जैसे कि ये देखो यहाँ पे बोला है द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन, इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे? ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे करने के लिए दे रही हूँ। अब मैं बता देती हूँ ये क्वेश्चन तुम्हें करना कहाँ से, इसका आंसर भी है मेरे पास, मैं आंसर भी शेयर कर देती हूँ। इसका आंसर है 10th का ए, ठीक है। इसे करना कैसे, सुनो, जब आप 11th क्लास में थे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते थे, ठीक है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया जाता था, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2, राइट, एग्जैक्टली। उस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या देखते थे कि जिस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं क्या वो 14 से एटॉमिक, मतलब उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा हैं कि 14 से कम है। फिर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा, एक छोटा सा स्लाइड चेंज आता था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, फिर हम उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भरते थे, फिर आप काउंट करो कितने अनपेयर्ड हैं, क्या बॉन्ड ऑर्डर है, वगैरह वगैरह। इसीलिए ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ ताकि ये चीज़ तुम्हारी रिविजन हो जाए, अदरवाइज तुम खुद से तो कभी रिविजन करोगे नहीं पुराने टॉपिक्स को। इसी तरीके से अगर बताया जाए कि अच्छा ये नोट्स कॉपी से देख लो तो हो सकता है,
तुम्हें याद आ जाए, है ना। खैर अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, अमोनिया रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, ये कहाँ का टॉपिक है। कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन के, अगर देखो मैंने क्या कहा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट होती है। हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिले, किसी स्पेसिफिक कोचिंग के मटेरियल में देखने को मिले, उनके द्वारा डाल दिया, या किसी स्पेसिफिक बोर्ड्स की किताबें देखने को मिले, अदरवाइज इट्स गुड, आप उसको भी रीड करते हो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट मेरे अकॉर्डिंग टू मी। मैंने तो खुद ने वही किया था। अब देखो, अमोनिया रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन बोल रहा है, कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन। अब जहाँ पे टॉपिक पढ़ते हैं कैसे होता है टॉपिक में, प्रॉपर्टीज, यूजेस, है ना, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, तो ये टॉपिक आपके कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन के केमिकल प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में है। जैसे अमोनिया की रिएक्शन मुझको करवानी है किसके साथ, आपके एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ, ये क्लोरीन मेरे पास एक्सेस अमाउंट में। यहाँ पे टोटल दो रिएक्शंस बनती हैं। अगर अमोनिया एक्सेस क्वांटिटी में है तो क्या होगा, अगर क्लोरीन एक्सेस क्वांटिटी में है तो क्या होगा, टोटल यहाँ पे दो रिएक्शंस बनती हैं। एक बात का ध्यान रखना, सबसे पहला चाहे कुछ बने या चाहे कुछ ना बने, ठीक है, HCl तो भाई बनता ही बनता है, HCl तो बनेगा ही बनेगा। अब क्योंकि तुमने क्लोरीन को एक्सेस क्वांटिटी में लिया है तो बेसिकली यहाँ बनता है NCl3, यहाँ क्या बनता है NCl3। अगर अमोनिया को एक्सेस में लेते तो फिर वो NH4Cl आई थिंक बनता, तभी बनता है NCl3। सादा सादा सवाल है, जिस इंसान ने बोर्ड्स के लिए भी रट्टा मारा है वो तक इस करेक्ट ऑप्शन को मार्क करके आ जाएगा, जिसने बोर्ड्स के लिए भी रट्टा नहीं मारा है वो सोचता बैठेगा यार इस रिएक्शन का जवाब मैं क्या दूंगा, मेरे को तो याद ही नहीं है, सोचो, ठीक है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में, नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस व्हेन NH4NO2 इज हीटेड विथ, ये थोड़ा सा गंदा सा सवाल है कि नाइट्रोजन कब बनेगी अगर मैं NH4NO2 को इनमें से किसके साथ हीट करूँगी, तो ये थोड़ा सा गंदा सवाल है। अच्छा चलो ठीक है, तो देखो NH4NO2 को आपको बेसिकली क्या करना है, हीट करना है। अब NH4NO2 को जब हीट किया जाता है तो वो अपने अंदर से नाइट्रोजन गैस रिलीज करती है, और साथ ही साथ में वाटर का मॉलिक्यूल भी वो क्या कर देती है, बड़ी प्यार से रिलीज कर देती, जा करके जा, ठीक है जा। लेकिन ये कब करती है, जब आप इसकी हीटिंग किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तब ये क्या करती है, बोलती है अच्छा चलो ठीक है मैं अलाउ करती हूँ, जाओ निकलो करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कौन है, वो पर्टिकुलर स्पीशीज है ये। अब तुम्हें लगेगा मैडम ये आपको कैसे पता, आप NCERT ओपन करिए, जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा था, है ना, जैसे कि मैंने इससे पहले कहा था, जब आप NCERT ओपन करेंगे तब आपको पता चलेगा इस पर्टिकुलर स्पीशीज का थर्मल डिकम्पोजिशन आपको नाइट्रोजन गैस प्लस वो देता है। तो NCERT में जहाँ पे डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन वाला टॉपिक है ना, वहाँ पे आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ पे आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूल विद अ 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज, देखो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने को मिलेगा, जहाँ पे हम बनाना बॉन्डिंग वगैरह वगैरह टाइप की गंदी गंदी बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो देखो Cl2 को आप 3 इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते, क्योंकि Cl2 में एक क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो बेसिकली वो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो गलत ऑप्शन है। Cl2O को भी नहीं कह सकते, क्योंकि Cl2O कुछ इस तरीके का दिखता है, तो यहाँ पे भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो D भी नहीं हो सकता, C भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज़ NO। और तुमको शायद ये पता भी होगा, जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे थे ना केमिकल बॉन्डिंग, जहाँ पे हमने क्या नाम था उस टॉपिक का, रुको क्या कहते हैं यार उसको, ऑक्टेट रूल, जहाँ पढ़ा था ना कि सुपर ऑक्टेट आपका क्या कहते हैं यार, हाइपर ऑक्टेट, हाइपो ऑक्टेट, ऑक्टेट ही था ना वो, हाँ ठीक है। तो वहाँ पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, है ना, ताकि जो आपको पता हो कि जो एनो नो होता है, यहाँ ये 3 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है,
ये इस तरीके से, मतलब ये आधा बॉन्ड होता है, ये आधा बॉन्ड होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो कम्प्लीटली आपका, एक मिनट या क्या खुल गया, ठीक है, ये इस तरीके से। तो इसका आंसर है नो। एल्यूमिनियम क्लोराइड डाइमर बनाता है, हम सब जानते हैं AlCl3 Al2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्यों करता है भाई वो ऐसा? देखो डाइमर बनता क्यों है, इसका एक ही रीज़न होता है कि जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, और जो बॉन्डेड एटम होता है और उस बॉन्डेड एटम के पास एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बॉन्डेड एटम अपने एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन्स जब वैकेंट डी ऑर्बिटल को देता है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग के थ्रू, तो आपस में ही जुड़ जाते हैं एंड दिस बाय वो लोग आपस में बॉन्डिंग डाइमर वगैरह फॉर्म कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो लोग बना लेते हैं, ठीक है, ये उसका रीज़न होता है। ऐसे इकलौता ये नहीं है, B2S6 ये भी देखो डाइमर बनाता है, इसकी भी डाइमर बनाने की टेंडेंसी होती है ना। अच्छा तो इसका रीज़न क्या देंगे, देखो कैनॉट फॉर्म अ ट्राइमर, क्योंकि वो ट्राइमर नहीं बना सकता इसीलिए डाइमर बना रहा है, बकवास। बिलोंग्स टू द थर्ड ग्रुप, ऐसा नहीं होता है थर्ड ग्रुप के मतलब क्या सारे लोग डाइमर बना लेंगे। अच्छा ये कई लोगों को लग सकता है क्योंकि B2S6 का मतलब BH3 का डाइमर B2S6 होता है ना, तो कई लोगों को लग सकता है हाँ यार ये भी रीज़न हो, बट नो ये नहीं है, हर चीज़ की ऐसा नहीं होता। हाई आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का इसके साथ क्या लेना देना, इसका सिंपल है क्या, कैन हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि वो ज़्यादा बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, इसके पास वैकेंडी ऑर्बिटल्स हैं इसीलिए वो कर पा रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। अब देखो क्वेश्चन है, SiCl4 को आप इजीली हाइड्रोलाइज कर सकते हो वाटर से, लेकिन CCl4 को आप हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते वाटर से। इसका भी वही सेम प्रवचन है, SiCl4 जो होती है, ठीक है, उस SiCl4 के पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, और जो कार्बन है क्योंकि वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो उस बेचारे के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। हाइड्रोलिसिस का मतलब बेसिकली ये है कि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो अपने लोन पेयर उनके कहाँ पे दे रहा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल में दे रहा है, ताकि उनके साथ बॉन्ड बना सके। तो बॉन्ड तो तब बनेगा ना जब वहाँ पे लेने के लिए खाली जगह मौजूद होगी, तो ये खाली जगह क्योंकि सिलिकॉन में मौजूद होती है इसलिए। ये क्वेश्चन वैसे आपको आपकी नोट्स कॉपी में मिल जाएगा, ये मैंने लिखवाया, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 एक OF2 मॉलिक्यूल होता तो उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर कितने होते, सो ड्रॉ करो OF2 को समथिंग लाइक दैट, राइट, इस तरीके का OF2 आपका दिखेगा, लोन पेयर ड्रॉ कर लेते हैं ये कुछ ऐसा। तो बॉन्ड पेयर तो देखो यहाँ दो है और हर ऑप्शन में बॉन्ड पेयर को दो ही बोला गया है, तो बॉन्ड पेयर पे तो कोई कंट्रोवर्सी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लोन पेयर काउंट करने हैं, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन है और यहाँ पे दो है, तो बेसिकली टोटल कितने हो गए, 8। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, 16th का बी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या आज इसी तरीके के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अमोनिया रिएक्ट्स विद नेस्लेस रिएजेंट टू डैश गिव डैश। अब देखो इसको तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगी एंटायर आपके क्या कहते हैं ग्रुप नंबर 15 का। वैसे अगर आप ग्रुप नंबर 15 को ओपन करेंगे तो डाई नाइट्रोजन की जो प्रिपरेशन है ये सब अपने आप में ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें हर एक रिएक्शन, उसका हर एक शब्द बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने आप में ही। खैर अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि ये चीज़ क्या है। बोल रहा है कि अगर आपके पास एक नेस्लेस रिएजेंट हो तो नेस्लेस रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा। तो देखो मैं सजेस्ट करती हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के अलावा NCERT का जो पी ब्लॉक का पेज नंबर 176 है, आप एक बार उसको भी रीड करिए। उसमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स के PPTs के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगर आप पेज नंबर 176 रीड करेंगे तो वहाँ पे एक वाइट PPT के बारे में है, वहाँ पे एक ब्राउन PPT के बारे में, एक डीप ब्लू कलर के बारे में, ऐसे बहुत सारे कलर्स के बारे में 176 और 177 पेज नंबर पे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है, बहुत सारे पेज नंबर पे। तो एक बार आप उसको रीड कर लीजिए,
जब आप वहाँ पे रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ करके यहाँ पर ये वाली चीज़ थी, ओ ये वाला कलर भी मुझको कैसा है याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला एक पार्ट है जो तुमको याद रखना एक इम्पॉर्टेंट है। खैर टॉपिक में आते हैं, अभी क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि आपकी जो अमोनिया गैस होती है, इस महान अमोनिया गैस की हमको रिएक्शन करवानी है नेसलस रिएजेंट के साथ। बट द पॉइंट इज कि ये नेसलस रिएजेंट मैडम कहते किसको है? ये तो ठीक है कि नेसलस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवानी है, बट हु इज नेसलस रिएजेंट? नेसलस रिएजेंट आखिर किस बला का नाम है? तो देखो, नेसलस रिएजेंट इस पर्टिकुलर स्पीशीज को कहते हैं K2HgI4। आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अब तक पढ़ ली होगी तो आपको पता है कि इस चीज को क्या कहते हैं, और अमोनिया के इसके साथ रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो कौन से कलर की PPT बनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो जिस भी अपनी नोट्स कॉपी में पढ़ते हो, इसको कॉपी के ऊपर हेडलाइन के फॉर्म पे लिख के रखो, अमोनिया रिएक्ट्स विद नेसलस रिएजेंट। और जो प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो कुछ इस तरीके का रहता है, आपका ये HG सेंट्रल एटम, उसके अलावा NH2O, NH2 लीगेंड, ठीक है, और आप लोगों का आई, और ये क्या होता है, ब्राउन कलर की PPT होती है। तो ये भी एक GK फैक्ट है जो आपको याद रखना था, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, बट पहले क्वेश्चन नंबर 19 के साथ डील कर लेते हैं। उसके बाद मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल आपके सिलेबस में आई थिंक 6 टाइप के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5, उनके स्ट्रक्चर्स हैं, वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, उनका कलर क्या है, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सब कुछ है आपके पास। अब देखो उसी में से क्वेश्चन पूछ लिया कि N2O3 एक एसिडिक ऑक्साइड है कि एक न्यूट्रल ऑक्साइड है कि एक बेसिक ऑक्साइड है, आप ये बताइए। तो खैर ये वाली चीज़ तो मैंने नोट्स कॉपी में लिखवाई है, कई बार लिखवाई है, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी कहा, टोटल 6 प्रकार के ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, है ना, उसमें से 4 एसिडिक होते हैं और 2 न्यूट्रल होते हैं। मतलब कभी कोई ऑक्साइड बेसिक तो नहीं होता। तो जिस इंसान को ये जानकारी पता है वो तड़ाक से डी ऑप्शन को काट देगा कि चाहे कुछ भी हो जाए डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगेन मैंने क्या कहा, टोटल 6 टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, उसमें से 4 एसिडिक होते हैं, 2 न्यूट्रल होते हैं। अगर आपको ये याद है कि उनमें से 2 न्यूट्रल कौन से हैं तो आपको सब कुछ पता है। तो कौन से होंगे बोलो, 2 न्यूट्रल, ये याद होना चाहिए। जो N2O होता है और जो NO होता है, ये दोनों बेसिकली न्यूट्रल होते हैं। अब क्या तुम्हारा N2O3 न्यूट्रल होना चाहिए? नहीं मैडम, तो इसलिए सी ऑप्शन भी गया। तो सोचो अब तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी हो गई कि अच्छा अब मेरे को जो ऑप्शन मार्क करना है, या तो ए में से मार्क करना है या तो बी में से मार्क करना है ना। खैर, अब वो ये बोल रहा है कि N2O3 HNO2 का एनहाइड्राइड है, ठीक है, वो HNO2 का वो क्या है, एनहाइड्राइड है। अच्छा बराबर, वो क्या है, एनहाइड्राइड है। किस चीज का, आप लोगों के HNO2 का, और एक बार बोल रहा है H2N2O2 का, ठीक है। अब हमको ये सोचना है कि वो किस चीज का एनहाइड्राइड होगा। एनहाइड्राइड का मतलब देखो क्या होता है, सिंपली अगर मैं कल को बोलूं कि श्रेयन रोनित का एनहाइड्राइड है, लेट से, तो इसका मतलब ये होता है कि रोनित के 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे और उसके अंदर से रोनित के 2 मॉलिक्यूल्स में से H2O निकालना पड़ेगा और H2O निकालने के बाद श्रेयन ऑप्टेन होगा। तो अगर ये वो ये कहना चाह रहा है कि वो HNO2 का एनहाइड्राइड है, तो आप HNO2 के 2 मॉलिक्यूल ले आओ, HN कनेक्टेड है फिर डबल बॉन्ड O, फिर H से N कनेक्टेड है डबल बॉन्ड O, और आप इनसे H2O एलिमिनेट करवाओ। अच्छा मैंने कुछ गलत बना दिया क्या? सॉरी, बीच में O खा गई हूँ मैं। अब इनसे आप H2O एलिमिनेट कराओ। खैर तो चलो ये H2O एलिमिनेट करा लिया। क्या H2O एलिमिनेट कराने के बाद जो ये बचा, ये जो बचा, क्या ये N2O3 है? हाँ मैडम, ये तो N2O3 है। इसका मतलब ये HNO2 का एनहाइड्राइड है, इसका एनहाइड्राइड नहीं है। क्यों? क्योंकि
आपके पास H2N2O2 के अगर आपके पास क्या होते, दो मॉलिक्यूल्स होते, यानी कि बेसिकली आपके पास चार हाइड्रोजन है, चार नाइट्रोजन है, चार ऑक्सीजन है, और इसमें से अगर आप एक H2O निकाल रहे हैं तो आपके पास दो हाइड्रोजन बचेंगे, चार नाइट्रोजन बचेंगे, तीन ऑक्सीजन बचेंगे, तो ये तो नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ई। तो कभी भी अगर पहचानना हो कि वो पर्टिकुलर स्पीशीज किसी दूसरी पर्टिकुलर स्पीशीज का एनहाइड्राइड है या नहीं है, कुछ नहीं करो, उस स्पीशीज के दो मॉलिक्यूल ले लो, उसके अंदर से H2 एलिमिनेट करके देखो। अगर H2 एलिमिनेट करने के बाद आ रहा है वही वाली सेम चीज, तो आपका आंसर है। अब देखो यही सेम क्वेश्चन नंबर 21, अगर आपको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में जानकारी है तो आपको बन जाएगा। क्या बोला है कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड इसका न्यूट्रल है। मैंने क्या बताया, सिर्फ दो ही ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, एक होता है NO और एक होता है N2O, इसके अलावा और कोई दूसरा ऑक्साइड न्यूट्रल नहीं होता। तो सीधा सीधा एक स्टूडेंट मार्क करके आएगा डी ऑप्शन, और हमको लगेगा मेंस के पेपर में कह रहे यार कितना कठिन सवाल दे दिया, हमको कैसे पता कि इसमें से कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल है और कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल नहीं है। तो आपको जो पढ़ाते हैं ना, जो टेक्स्ट बुक में है, ध्यान रखना सब कुछ उसी में से ही पूछा जाएगा, कुछ भी इधर का उधर का नहीं आएगा। हाँ, थोड़े पूछने की लैंग्वेज गंदी हो सकती है, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। खैर, आगे बोल रहा है नाइट्रोजन फॉर्म्स N2, ठीक है, बट फॉस्फोरस डज नॉट फॉर्म्स P2। एग्जैक्टली, ये तो बहुत अच्छा डिस्कशन है ना, एक ही ग्रुप के नाइट्रोजन N2 बनाता है फॉस्फोरस, बट P2 नहीं बनाता, वो P4 बनाता है। जैसे ऑक्सीजन O2 बनाता है, बट सल्फर S2 ना बना के S8 बनाता है। तो P4 के एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है, ये वाली चीज तो आपको बोर्ड एग्जाम्स में गिव रीजन के फॉर्म में तक पूछी जा सकती है कि जस्टिफाई करिए वगैरह वगैरह, कि क्यों ऐसा होता है ना, जस्टिफाई करिए, असर्शन रीजनिंग, अलग अलग जगह पर ये पर्टिकुलर टॉपिक पूछा जाएगा, अलग अलग जगह पर, ठीक है, कि क्यों ये वाली चीज एग्जिस्ट करती है P4 और क्यों वो वाली चीज एग्जिस्ट नहीं करती, बराबर, ये वाली चीज आपको एकदम पूछी जाएगी। खैर, अब इसका रीजन क्या देंगे, क्या जवाब देंगे इसका, ऐसा क्यों एग्जिस्टेंस है इसका और बाकी का क्यों नहीं। सिंपल है, जो फॉस्फोरस होता है ना, फॉस्फोरस के साइजेस बड़े हो जाते हैं, और फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में जो पी पाई बॉन्डिंग है वो कैसी होती है, कमजोर होती है, इसीलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ये इसका करेक्ट आंसर है, कहीं मार्क करके लिख लेना, वाई P2 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है, इस वीक करके, बराबर, क्यों है ये वाली चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि उनको कॉपीज के ऊपर एज अ नोट्स लिखना बहुत जरूरी होता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, H2S गैस को अगर आपको ड्राई करना हो तो आप उसको, ठीक है, H2SO4 के ऊपर से पास करा के ड्राई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो नियम क्या है, जिस चीज को आप ड्राई करवा रहे हो वो वाली चीज रिएक्ट नहीं करनी चाहिए किसी और के साथ जिसके ऊपर से आप उसको रिएक्ट करवा रहे हो, पास करवा रहे हो, उसके साथ उसने रिएक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। अब जैसे हम अच्छे से जानते हैं कि H2SO4 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर आप उसके ऊपर से H2S गैस पास करवाओगे तो H2S गैस बेसिकली H2SO4 इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और वो चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी सल्फर में, मतलब वो उसको क्या कर देगा, वो उसको S2 नेगेटिव से S0 में कन्वर्ट कर देगा, उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, मतलब H2S रही नहीं, इसीलिए वो H2S गैस को ड्राई करने के लिए H2SO4 का यूज नहीं करते, है ना। जैसे मैंने क्या कहा, ओजोन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं आपके अमोनिया का, है ना, बट इसको आप H2S को अगर ड्राई करना हो तो H2SO4 ना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, इससे आपको नहीं करवाना चाहिए H2S को ड्राई करवाने के लिए, बिल्कुल नहीं। फिर मैडम किसका करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड को यूज़ कर सकते हो, वो तो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत सारा मॉइस्चर खा जाता है, खा करके बहुत भूखा रहता है। खैर, ये क्वेश्चन तो देखो तुम्हारे लिए है, 25 तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जब आप H2SO4 का प्रिपरेशन पढ़ते हैं,
है ना, जब आप H2SO4 का प्रिपरेशन पढ़ते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो वहाँ पे बीच की एक स्टेज में ओलियम प्रोड्यूस होता है. जिस ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7, अब वो पूछ रहा है कि इसमें से H2S2O7 का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है. जिस बंदे को यही नहीं पता कि ओलिया मतलब H2S2O7, उसके लिए तो मैं क्या बोलूँ. बट जिसको पता है वो तुरंत ऑप्शन नंबर ए को गलत मार्क करेगा कि भाई तू तो नहीं हो सकता चाहे जो हो जाए, है ना. खैर फिर वो देखेगा कि अच्छा ऑक्सीजन मुझको 7 चाहिए और हाइड्रोजन मुझको 2 चाहिए. ठीक है देखते हैं. तो ऑक्सीजन 7 देखो कहाँ पे नहीं है, ठीक है कहाँ पे नहीं है, आप वो स्ट्रक्चर ढूंढिए. बराबर आप वो स्ट्रक्चर ढूंढिए जहाँ पे वो नहीं है. अच्छा ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है. देखो आखिरी वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें 7 नहीं है, इसमें 8 है, तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता. अब होगा तो या तो बी, या तो होगा तो या तो सी. अब सी ऑप्शन को इसीलिए गलत कहते हैं क्योंकि देखो जब भी अपन इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना, इनका लेफ्ट वाला पार्ट और इनका राइट वाला पार्ट हम लोग यूजुअली आइडेंटिकल रखते हैं. अगर आप सी ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक साथ लगा दिया, बल्कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन है मिड में आता है, राइट. अगर कोई ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है तो उसको दोनों सल्फर्स के या दोनों फास्फोरस के या किसी भी अदर एटम के बीच में लगाया जाता है. इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 25 का वो क्या होगा, बी. तो आपने पढ़ी क्या कॉन्टैक्ट प्रोसेस, आपने बिल्कुल पढ़ी. क्या सवाल कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आया, बिल्कुल आ गया. देखो H2S2O7 जिसको पता है ओलियम होता है उसका स्ट्रक्चर ढूंढना है बस. नेक्स्ट 24 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स और सल्फर कंटेन सल्फर सिंगल बॉन्ड, यानी कि सल्फर और सल्फर के बीच में ऐसा बॉन्ड होना चाहिए. और जैसे कि इस ऑप्शन बी को देखो, यहाँ पे सल्फर और सल्फर के बीच का कोई सिंगल बॉन्ड नहीं क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ गया. तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर ढूंढना है. तो जिस लड़के को ये पता है कि H2S2O7 ओलियम होता है और ओलियम के स्ट्रक्चर में सल्फर ऑक्सीजन सल्फर ये वाली चीज एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब ओलियम में सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड तो बन नहीं सकता. तो वो क्या करेगा, बी को तो क्रॉस कर देगा कि चाहे कुछ भी हो जाए इसका आंसर बी तो नहीं होगा, राइट. वो चाहे कुछ भी हो जाए इसका आंसर बी तो नहीं होगा, वो इसको क्रॉस कर देगा. अच्छा H2S2O3 के बारे में अगर मैं बात करूं तो सल्फर सल्फर एक ऑक्सीजन इसके पास, एक ऑक्सीजन इसके पास, और बीच में एक ऑक्सीजन आएगा ही. क्यों, क्योंकि ऑड ऑक्सीजन जब आ जाते हैं, ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन जब आ जाते हैं तो उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उन्हें इस तरीके से बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो इसलिए डी भी नहीं हो सकता. अब जो भी होगा वो क्या नाम है, सी और ए के बीच में होगा. कैसे पता लगाएं, सल्फर सल्फर, ठीक है टोटल 6 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन इधर वाले को, ठीक है 3 ऑक्सीजन बाजू वाले को, तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, इधर OH इधर OH, और खैर इनके बीच में हो सकता है. H2S2O8 तो टोटल कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन इधर दे देंगे, क्या पॉसिबल है, 1 2 3 4 OH. बताओ सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, मैडम सल्फर तो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है. चेक करो जरा सल्फर की कैपेसिटी फुल हो गई क्या, इधर से 2 इधर से 4 इधर से 6 इधर से 7 इधर से 8, नहीं ये तो बकवास है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है 24 का ए, ठीक है इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है 24 का ए. अभी जो ऊपर छोड़ दिए थे उन पे बात कर लेते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 20 का तुम्हें जवाब केमिकल बॉन्डिंग की शीट में मिलेगा, ठीक है. खैर अभी इसमें कुछ कुछ हम लोग बातचीत कर लेते हैं, जैसे कि सॉलिड N2O5 एग्जिस्ट एज NO2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव. अगेन ये वही की कहानी है. अगर आपको ये पता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में अलग अलग बातचीतें, तो आपको बहुत कुछ पता है. खैर अब बोल रहा है कि सॉलिड PCl5 जो एग्जिस्ट करता है टेट्राहेड्रल PCl3+ एंड ऑक्टाहेड्रल PCl7- के फॉर्म में. तो तुम अगर थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग की 11th क्लास की शीट को खोल के देखोगे तो तुम्हें पता होगा कि हाँ ये स्टेटमेंट मेरा सही है.
खैर इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो इससे सवाल को अटेम्प्ट कर लेने की हमारी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी घट जाती है, बिकॉज ये वाली चीज़ हम लोगों से यूजुअली सॉल्व नहीं होगी क्योंकि हम इतनी सारी जानकारी याद नहीं रख सकते। इसलिए मैं 20 क्वेश्चन अगर मेरे पेपर में भी आते तो मैं इसको छोड़ ही देती। अच्छा, अब आते हैं इस टॉपिक पे। अब देखो ये क्या है, ये जो है अगेन मैंने कहा कुछ चीज़ें जीके फैक्ट के तौर पर आती हैं, आपको जीके फैक्ट के तौर पर है ना वो चीज़ें याद होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है होम्स सिग्नल, ठीक है, अच्छा ये क्या है। अब देखो बेसिकली जो लोग समुद्र यात्रा करते हैं, समुद्र यात्रा करने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक कंटेनर होता है जिस कंटेनर के अंदर कैल्शियम कार्बाइड मौजूद होता है, ये JEE में ऑलरेडी ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड होता है और साथ ही साथ में कैल्शियम की फॉस्फाइड गैस होती है, दोनों ही चीज़ें कैल्शियम की होती हैं, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फाइड गैस, ओके। अब उसके बाद इन दोनों को कंटेनर्स के अंदर छेद करके इनको पानी में फेंक दिया जाता है। जैसे ये पानी के अंदर जाते हैं इनके बीच में कुछ रिएक्शन वगैरह होने लगती है और गैसेस एसिटिलीन गैस, फॉस्फीन गैस ये सब प्रोड्यूस होते हैं और सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं और उन सिग्नल्स के साथ बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, शिप को गाइड कर सकते हैं कि इधर जाना है उधर जाना है, इस तरीके से शिप चलाने वालों के लिए काम में आता है। तो होम सिग्नल किसको कहते हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। अब कैल्शियम कार्बाइड किसे कहते हैं, CaC2 को, तो इसीलिए बी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें CaCl2 था। अच्छा, प्लस कैल्शियम फॉस्फाइड गैस को, फॉस्फाइड मतलब फॉस्फोरस तो होगा, इसीलिए सी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नाइट्रोजन दिख रहा है ना। अच्छा, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला डी वाला, कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम फॉस्फाइड। तो अगेन ये जीके पार्ट था, इसको आप याद रखना और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आज हम लोग इस टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस रोकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, क्वेश्चन नंबर 17 अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 18 अच्छे से याद रखना है। ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के बारे में तो मैं कई बार प्रवचन दे चुकी हूँ, वो अगर याद नहीं है तो फिर तो क्या बोलें भाई उस बारे में, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और क्वेश्चन नंबर 23 देखो एक ऐसा क्वेश्चन था जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4 वाले टॉपिक में आपको मिलता कि H2SO4 किन किन चीज़ों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो आप वहाँ पढ़ते हैं कि H2S को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, उसी चीज़ को उन्होंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया। और क्या चीज़ याद रखने लायक है इसमें, बाकी ये थोड़ा सा अगर आप रीड करेंगे टेक्स्ट बुक को तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद पता चल जाएंगी, सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक। तो बस यहीं पे आप इसको रोकते हैं। देखो 26 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस बेसिकली मैं तुम्हें दे रही हूँ, ठीक है, होमवर्क के लिए, इसे करके रखना, देखो कितने बना पाते हो नहीं बना।